अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुजम्मिल। गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि रेडमी का Note 10 अनबॉक्स करने वाले हैं। अब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसपे मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे पर्सनली भी यूज करनी थी। मेरे को डेली ड्राइवर चाहिए था Redmi Note 10। अब इससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के आपको रिमाइंडर दे दिया था कि हम रिसेंटली इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो लाने वाले हैं, पर वो अलग बात है कि हम वीडियो लाने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गए। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और उससे पहले एक अपना रोना चाहूंगा। इससे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ मोबाइल शॉप पे, पर गाइस जो वो वीडियो थी उसमें वीडियो ही रिकॉर्ड अब वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसकी वजह से मेरे को दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अगर मेरे पास वो वीडियो हो, मतलब वीडियो है, मैं आपको साइड में चला के भी दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने डिलीट नहीं की थी उसको ना, मैंने जैसे रात को एडिट करने के लिए बैठा, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अगर उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड होती तो आज है 29th मार्च है, ठीक है, तो वो आज के सुबह को ही आपको वीडियो मिल जाती। हवा लग रही है, मेरा जो ट्रायपॉड है वो थोड़ा हल्का है, इस वजह से मेरा मोबाइल स्टेबल होने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसका फर्स्ट लुक, जो पहले से अनबॉक्सिंग में किसी मोबाइल की दुकान पे कर चुका हूँ, उसमें भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं है, बस उसमें वॉइस एडिट करके आपको दे देनी है। इसके अलावा कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो मेन हाईलाइट और जिससे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है मोबाइल, इसमें जो पंच होल डिस्प्ले है आपको दिख रहा है, पंच होल कैमरा है, ठीक है ना। इसमें जो कैमरा है वो इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और जो 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा की बात करें तो भाई बहुत ही आला गजब की लग रही है। यहाँ पे जो मैं साइड में पिक्चर्स चला रहा हूँ वो Redmi Note 10 से ली गई है फ्रंट कैमरा से। जहाँ बैक साइड की कैमरा की बात करें तो बैक साइड पे अपन को क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, चार कैमरा देखने मिल जाते हैं, जिसका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिससे भी ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको एक और कैमरा देखने मिल जाता है, 2-2 मेगापिक्सल के 2-2 छोटे छोटे वाइप देखने मिल जाते हैं। और जहाँ इसकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर कंपनियां लोगों के ना, इससे पहले जो उसमें प्रोसेसर लगा है, इससे पहले कब कोई भी डिवाइस में ये चिपसेट नहीं लगा हुआ, जिसका प्रोसेसर है कोलकाता 678 का चिपसेट है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। जहां गेमिंग की बात करें, जहां कैमरा रिजल्ट की बात करें, जो ओवरऑल जो उसका परफॉर्मेंस है भाई, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैंने एक दिन यूज किया है, अभी इन फ्यूचर और भी करने वाला हूँ, और इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने मिलने वाली हैं, जैसे कि कैमरा टेस्ट हो गया, इसके अलावा गेमिंग टेस्ट हो गया, प्रोसेसर टेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी वीडियो। और जहाँ चार्जिंग की बात करें तो गाइस में 5000 mAh की बैटरी है और 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तो मतलब फटाक से आपको मोबाइल चार्ज कर देगी। इसके अलावा आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, डिस्प्ले है वो 1080p रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो क्वालिटी है वो भी बहुत ही आला। इसके अलावा इसमें 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है। तो जो हमारे पास वेरियंट है वो हमको 4GB और 128GB वाला वेरियंट देखने मिल जाता है, जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। इसके अलावा एक और वेरिएंट आ रहा है इसमें, जिसका नाम है Redmi Note 10 Pro, उसमें आपको जो बैक कैमरा है वो 18 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है, 108 में मतलब 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, मतलब उसमें दूरबीन लगा दिए भाई, कहीं भी आप किसी को भी जूम कर सकते हैं। इसके अलावा बस यही थी मेन हाईलाइट जो आपको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो फटाक से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग तो कर चुके हैं वैसे, बस वॉइस लगानी है, तो देख लें इसकी अनबॉक्सिंग आगे वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आपके लिए इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। आपके मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके कमेंट्स के थ्रू। बढ़ते हैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका फर्स्ट लुक आपको पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे इस मोबाइल के थ्रू। बढ़ते हैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग साइड। तो दोस्तों ये रहा हमारा Redmi Note 10 का बॉक्स। अब जब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है और पंच होल डिस्प्ले के साथ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा ऊपर MI का लोगो और हमारा ब्लेड भी आ चुका है, और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और जहाँ ऊपर की साइड जहाँ साइड में बात करें तो यहाँ पे Redmi Note 10 लिखा हुआ है, Note 10 की ब्रांडिंग। इसके अलावा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर है ओकन ग्रे और ऑन सी ग्रे कलर है। इसके अलावा बैक साइड में हमको वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है, जो हर डिवाइस में आपको इस तरह कुछ देखने मिल जाएगा। हर डिवाइस का अलग अलग होता है, पर इसका कुछ इस तरह है MI का, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं रिमूव। अभी फर्स्ट डिवाइस है जिसके कपड़े हम ही उतार रहे हैं पहले से, वरना जितने भी हमने डिवाइस अनबॉक्स की हैं उनके कपड़े पहले से ही उतरे हुए हैं, ठीक है। तो इसको कुछ तमीज़ से इसके जो कपड़े हैं वो उतार लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ से कट कर लें,
अब ये वॉइस में बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और तो इसमें जो सील है पहले से ब्रेक है, तो ऐसे चलता रहता है। तो वारंटी कार्ड को भी साइड में कर देते हैं, ये वारंटी कार्ड है। और आजकल वैसे भी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी वारंटी कार्ड ऑनलाइन हो चुकी है, अगर आप उसमें सिम लगाते हैं तो आपको वो वारंटी कार्ड देखने मिल जाती है। अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। अब बॉक्स को बाहर निकलते ही, अबे भाई निकल जा, तो कल ये निकला हमारा डिवाइस। तो हमारी डिवाइस और जहाँ ऊपर साइड आप देख सकते हैं हमारी रेडमी नोट 10 डिवाइस, और ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए जो हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ रेडमी नोट 10 इसके अलावा 6.4 एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, ठीक है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, ठीक है। उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 का चिपसेट देखने मिल जाता है, और जहाँ 48 मेगापिक्सल का बैक साइड पे कैमरा और कॉर्नर कैमरा के सेटअप के साथ है, जो फर्स्ट में 48 उसके बाद मत करते हैं, ठीक है। अब डिवाइस को कर लेते हैं थोड़ा बाहर और रैपर से रिमूव कर लेते हैं। और ये जो डिवाइस है बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है, और इसको कर लेते हैं रिमूव रैपर को। और भाई जो लुक है ना इसका, लुक तो मतलब किलर ही लुक है इसमें। और इसमें दो तीन कलर्स और आते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया हैं। और इसको करते हैं थोड़ा साइड पे, अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। उम्मीद करते हैं हैंड फ्री तो हमें कतई ही नहीं मिलने वाले इस डिवाइस के साथ, तो फिर भी देख लेते हैं क्या देखने मिल जाता है। और फर्स्ट में बुकलेट देखने मिल जाती है और सिम टूल। अब सिम टूल को थोड़ा साइड पे रख देते हैं, इसकी आपको सिम सिचुएशन चेक कराएंगे जो हर मोबाइल में भूल जाते हैं। कैमरा थोड़ा फोकस कर ले, ये क्या आ गया एरर सा, तो एरर वाले को इग्नोर मारो। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ पुस्तकें देखने के लिए मिल जाती हैं, और सिलिकन केस कवर देखने मिल जाता है जो प्रीमियम क्वालिटी में, जो आपको 150 से 200 के करीब किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पुस्तकें हैं इसको साइड में कर देते हैं, हम पढ़े कभी स्कूल में नहीं है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमको ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है, जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। ये आपका मोबाइल फटाक से चार्ज किया जाएगा। और इसके जो केबल है वो भी हमें टाइप सी देखने मिल जाती है, और केबल के अंदर आपको जो येलो कलर का शेड दिख रहा है ये फास्ट चार्जर की मतलब निशानी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसके एसेसरीज, जो हम इसको करते हैं साइड पे। अब बढ़ते हैं डिवाइस की साइड। अब डिवाइस को उठाते ही मुझे बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है ये डिवाइस। अब इसको कर लेते हैं टर्न ऑन। जब तक ये होती है तब तक इसकी जो दूसरी लुक है हम वो देख लेते हैं क्या क्या इसके जो मिल जाता है। जहां फ्रंट साइड पे हमको पंच होल डिस्प्ले देखने मिल जाता है जो स्क्रीन के अंदर है, उसके बाद ऊपर स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है। और साइड की जहाँ बात करें तो यहाँ पे साइड माउंट फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम की अप डाउन, और जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही तेज़ है। इसके अलावा बैक साइड पे आपको प्लास्टिक देखने मिल जाता है। उसमें जो मेन कैमराज हैं क्वाडर सिस्टम है, तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दो मेगापिक्सल एक और कैमराज हैं छोटे छोटे भाई, और 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा है, ठीक है। और आपको फ्लैश लाइट देखने मिल जाती है, उसके नीचे रेड डॉट है और कुछ भी नहीं है। और ये जो मतलब स्टिकर है इसको कर लेते हैं रिमूव, क्योंकि हम टेक बर्नर के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, उनको भी पसंद नहीं है तो हमको भी पसंद नहीं है। इसको थोड़ा यहाँ पर लगा देते हैं, फिर कभी कभी काम आ जाएगा, ठीक है। जहाँ साइड की बात करें तो यहाँ पे सिम ट्रे देखने मिल जाती है। आप सिम ट्रे को रिमूव कर लेते हैं, आपको सिम सिचुएशन दिखा दें हम कितनी सिम लगा सकते हैं। और जो इसमें आपको यहाँ पे रेड कलर की प्रोटेक्शन दिख रही है या रबर्स दिख रही है, ये अक्सर उन मोबाइलों में काम आते हैं जिन्होंने वाटरप्रूफ सपोर्ट होता है। जिसमें जो सिम सिचुएशन है इसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप एक वक्त में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जहां नीचे की बात करें तो इसमें आपको 3.5 एमएम का जैक देखने मिल जाता है। इसके अलावा माइक और टाइप सी यूएसबी केबल और स्पीकर देखने मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको कर लेते हैं सेट, फिर आपको बताते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और कैमरा दिखा देते हैं। तो कर लेते हैं इसको फटाफट से सेट। तो गैस ये जो डिवाइस है मतलब कि बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले है इसका, जो 1080p रेजोल्यूशन है डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है। और जहाँ साइड की बात करें तो साइड में से भी बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। और इसके अलावा इसका जो UI है वो भी न्यू है, इसकी ब्राइटनेस फुल कर देते हैं। और इसके अलावा जो इसकी डिस्प्ले है वो 6.4 इंच का डिस्प्ले है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जहाँ फिंगरप्रिंट की बात करें मतलब सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ही गजब की और बहुत ही आला है। फिंगर रखते ही आपका ये जो है अनलॉक हो जाता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये अनलॉक हो गया मैंने जैसे ही फिंगर रखी। इसके अलावा बहुत ही कमाल का है। इसके अलावा हम इसमें फेस लॉक भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फेस लॉक सेट कर लूँ मैं,
तो हमारा जो फेस लॉक है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ मैं फेस लॉक की आपकी जो सिक्योरिटी लीक मतलब सिक्योरिटी है मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैंने ऑन किया ये अपना फेस दिखाया, ये इसने फटाक से अनलॉक कर दिया डिवाइस को। तो जिसको फेस लॉक और फिंगरप्रिंट है दोनों बहुत ही कमाल की हैं, आपको इसमें कोई भी फ़र्क दिखाई नहीं देगा 1920 का भी, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी कैमराज की बात कर लेते हैं हम, और ये हम इसकी कैमरा ओपन कर लेते हैं। हमने इसको अब कैमरा ओपन किया और कैमरा की जो वीडियो है पर्सनली मैं आपको दूंगा, इसके लिए आप मेरा वीडियो मतलब जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें। जब भी कोई वीडियो मैं इसके कैमरा की अपलोड करूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जहां कैमरा में हमको ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, फर्स्ट प्रो मोड देखने मिल जाता है, उसके बाद वीडियो मोड, उसके बाद फोटो पोर्ट्रेट एंड मोर में भी आपको नाइट मोड देखने मिल जाता है, 48 मेगा पिक्सल का मतलब पिक्सल देखने मिल जाते हैं, कैमरा देखने मिल जाता है, उसके बाद आपको स्लोमो देखने मिल जाता है, स्लोमो भी बहुत ही इसका बहुत ही गजब का आपको नो मोड में देखने मिल जाता है, इसके अलावा बहुत सारा। तो कैमरा की डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और जहां फ्रंट साइड की कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और जहां कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है और लग रही है। और इसके अलावा मैं इसकी कैमरा की जो पिक्चर है वो ऑन कर लेता हूँ, और जो उसकी मतलब और जो उसकी क्वालिटी है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अलावा ओवरऑल जो था मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, जिसके पर्सनली कैमरा की टेस्टिंग होगी। इसके अलावा इसका जो UI है बहुत ही अमेजिंग UI है, इसका डिज़ाइन बहुत ही गजब का है। और इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।